खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुक करेंगे कोट अदू का। वजीर अला पंजाब सरदार उस्मान खान बुजदार के विजन के मुताबिक आईजी पंजाब राव सरदार अली की हिदायत पर कोट अदू स्टेडियम खुली कचहरी लगाई गई। आरपीओ डेरा गाजी खान मोहम्मद फैसल राना ने पुलिस अफसरान को आवाम के सामने खड़ा कर दिया। मजीद इस पर रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा बाकर हुसैन जी। बाकर जी बिल्कुल, कोटादुआ स्टेडियम खुली की चेहरी फैसल राना ने पुलिस अफसरान को आवाम के सामने खड़ा कर दिया। जो शख्स शिकायत लेकर डैश पर आता आरपीओ मुतलका पुलिस अफसरान को इसके सामने खड़ा करते दरख्वास्त दें अपना मसला बयान करता। आरपीओ मुतलका पुलिस अफसरान इसके हायर अथॉरिटी से मौके पर मसाइल का फ्रेश दरियाफ्त करके फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी करते हुए मसाइल के हल के लिए टाइम फराम देते। खुले की चेहरी में आने वाली खातून शबाना बीबी अपनी बहन की अगवा के मुकदमे के इंदराज के हवाले से दरख्वास्त दी, जिस पर आरपीओ मोहम्मद फैसल राना ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। मुलजमान फौरी तौर पर गिरफ्तार किए जाएं। आरपीओ मोहम्मद फैसल राना ने कत्ल के मुकदमात की मुद्दई पार्टी की दरख्वास्त पर एसपीओआर को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। आरपीओ फैसल राना ने खुले कचहरी में शरीक माजूर अफराद को देखा तो वो इनके पास को चल के गए और इनके मसाइल सुनकर मौके पर कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। आरपीओ की खुले कचहरी में मर्द खवातीन ने दरख्वास्तें दी जिन पर फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। आरपीओ मोहम्मद फैसल राना ने संगीन मुकदमात के हवाले से अहकाम जारी किए। डीपीओज खुद इन मामलों को जाती तौर पर देखेंगे। चारों डीपीओज समेत पुलिस सर्कल्स की एसडीपीओज और तमाम थानों के दरवाजे हर शख्स के लिए खुले हैं। आरपीओ ने कहा कि खुली की चेहरी में दी गई दरख्वास्तें पर कानूनी कार्रवाई का फॉलो अप मैं खुद डीपीओ से लूंगा। कैमरामैन शौकत अली बलोच के साथ बाकिर हुसैन, सिटी 5 न्यूज़, कोटादू।